और हाँ, मुझे बताना था कि मैंने अपने फ्रेंड्स में से 7 फ्रेंड को भी एक्स मुस्लिम कर दिया है। अरे वाह, क्या बात है यार। फातिमा जी के लिए डबल गुलाब भेजे। ये खुद भी बाहर निकल चुकी है इस्लाम से और इन्होंने 7 अपने दोस्तों को भी इस्लाम से बाहर निकाला है। बड़ी मेहनती लड़की है यार फातिमा जी, एकदम धड़ल्ले से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। ये एक चीज मैंने नोटिस की है कि जितना, यानी जो लड़के एक्स मुस्लिम होते हैं वो इतना ज्यादा लोगों को नहीं निकालते हैं, लेकिन जो लड़कियां एक्स मुस्लिम बनती है, और इससे पहले वो एक और एक जो आई थी अब्दुल शकूर, जिनको हमने पदवी दी थी, वो भी ग्राउंड लेवल पे बात करके कई लोगों को उन्होंने इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है। मेहनत कर रही है, कभी स्नैपचैट पे, कभी इंस्टा पे, कभी अपने दोस्त अहबाब में जो रिश्तेदार है उनमें नौजवानों से वो इस्लाम की हकीकत बता रही है। तो लड़कियां जो है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, जो एक्स मुस्लिम होती है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है और वो ज्यादा लोगों को बाहर निकाल रही है बनिस्बत लड़कों के। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है इसकी वजह जी। यही है कि जो लड़कियां हैं ना, उनको इस्लाम में इतने ओहो, ज्यादा क्या हक और लापरवाही। राइट्स नहीं मिलते। हम बार बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जो समर्थन करते हैं, उदाहरण छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरण करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अरबों के जहनी गुलाम हमेशा से कहते आए हैं, इस्लामिक कल्ट को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये दिन पर दिन आगे बढ़ता ही जाएगा और एक दिन पूरी दुनिया पर इसी का परचम लहराएगा। हमारी वीडियो पर तरह तरह के कमेंट आते हैं। कभी ये लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कभी मोहब्बत भरे अंदाज में धमकाते हैं, तो कभी अली सबा मिर्जा जैसे लोग कमेंट करते हैं, वीडियो तो देख लिया, अब बताओ आप कहना क्या चाहते हो? इस्लाम और मजबूत होगा, इसे और बल मिलेगा, आपका सपना अधूरा ही रह जाएगा। वहीं दूसरी ओर अहमद काजी साहब लिखते हैं, तुम सारे एक्स जमूरे बैठकर जमूरा गिरी करते रहो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इस्लाम पर कायम थे, हैं और रहेंगे, कुरान हदीस हमारे दिलों में है जमूरों। तो काजी साहब, एक्स मुस्लिमों को आपने एक्स जमूरे कहा है, एकदम सही कहा है। जब मोमिन थे तब मौलानाओं के जमूरे ही थे जो उनके इशारों पर नाचते थे, और हम आपकी इस बात से भी सहमत हैं कि कुरान और हदीसें आपके दिलों में हैं, क्योंकि दिमाग तो आप लोगों के पास है ही नहीं। पर अगर आप लोगों का ये मानना है कि इस्लामिक कल्ट और मजबूत हो रहा है, तो जरा अपने मौलाना मुफ्ती की बात भी सुन लीजिए। तो फोकस इसी इल्हाद पे करेंगे जो फैल रहा है, और वो इतनी तेज रफ्तारी से फैल रहा है कि अगर दुनिया में एक आदमी इस्लाम कबूल कर रहा है तो 10 मुसलमान मुल्हिद हो रहे हैं। मतलब तनासुब ये हो चुका है इस वक्त, और ये बहुत साइंटिफिक बुनियादों पे सर्वे का नतीजा है, ये अंदाजा नहीं है। सुन लिया, जोर का झटका धीरे से लगा। जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में रजिस्टर्ड एक्स मुस्लिमों की गिनती 35 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी हो, तो आप अंदाजा लगा लीजिए एक्स मुस्लिम कितनी तेजी से फैल रहे हैं। आज का ये वीडियो हम आपकी ही शान में पेश करते हैं। जरा ध्यान से इस नौजवान खातून की बात सुनिएगा, शायद आपका जहन खुल जाए, आप सब अपनी गलत फहमी से बाहर आ जाएं। हो सकता है आप सब कभी ना माने कि इस्लामिक कल्ट ने पूरी दुनिया को आतंक और नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया, पर इस हकीकत को पूरी दुनिया जान चुकी है। इसीलिए हम इस कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल हेल्प की डिमांड नहीं करता। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। फातिमा सैयद, अनम्यूट कर ले। फातिमा सैयद, हेलो। जी फातिमा जी, वेलकम। हेलो, यस फातिमा जी, आप आवाज आ रही है आपको हमारी? जी, अब आ रही है जी। मुझे कुछ ना सवाल करने थे आपसे। बिल्कुल करिएगा, आप मोमिना है? नहीं, पहले थी? जी हाँ बिल्कुल। ओके, कब तक थी? मैंने 1 साल पहले इस्लाम छोड़ दिया है। नमाजें पढ़ती थी पहले? जी हाँ बिल्कुल, 5 वक्त। ओके, अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका या इबादिल्लाहि सालिहीन। चले आयतल कुर्सी सुना देती हूँ अब। आइए। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअख्ज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़
منزل الذي يشفى عند ولا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يهيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. तरावी की कितनी नमाज पढ़ती थी आप, कितनी रकात पढ़ती थी याद है? तरावी की कितनी 19 रकात होती है? तरावी, तरावी हाँ होती 40, 40 होती है शायद, अब तो मुझे याद नहीं है इतना। कितने साल आपने रमजान में गुजारा, आपको तरावी की नमाज नहीं याद है कितनी रकात तरावी की होती थी? नहीं मैं तरावी नहीं पढ़ती थी। अच्छा आप नहीं पढ़ती थी। फजर की कितनी रकात होती है? फजर की 2 सुन्नत और 2 फर्ज पढ़ते हैं हम। अच्छा 2 सुन्नत। और मगरिब में? मगरिब में हम पढ़ते हैं 2 सुन्नत और फर्ज 2, हाँ 3 फर्ज और नफल, 2 नफल। 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। जी हाँ ठीक है, चलिए मोमिना ही है तो ये तो कंफर्म हो गया है। थोड़ा ढीली डाली मोमिना थी लेकिन ठीक है, मोमिना ही है जी। क्यों छोड़ा आपने इस्लाम? जी मैंने जो कुछ सवाल आज जो मैंने एक बुक पढ़ी थी उनकी, क्या बर्नेट रसल की, कि मैं मसीह क्यों नहीं, सो उस पर मैंने ना खुद से सवाल किए तो फिर मैंने इस्लाम छोड़ दिया। उसमें कुछ लिखा था कि अल्लाह खुदा ने अगर शैतान बनाया है तो शैतान तो खुदा ने खुद ही बनाया है, तो उसको उसने छूट क्यों दे रखी है कि अपने अल्लाह के बंदों को वो तंग करे और इधर उधर कर दे। और सूरह बकरा में लिखा हुआ है कि सूरह बकरा में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ही है जो जिसने लोगों की कानों पर और आंखों पर मोहरे लगा दिए, इसलिए ए नबी तुम्हारा उनको पैगाम पहुंचाना ना पहुंचाना ना के ही बराबर है। तब मैंने सोचा कि अगर एक टीचर है हमें क्लास से बाहर निकाल देता है, फिर दूसरे ही दिन हमें उस लेक्चर का जो है सवाल पूछता है, तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है, कसूर तो उस टीचर का है कि उसने हमें क्लास से बाहर क्यों निकाला, फिर सवाल पूछकर उसकी हमें सजा भी देता है, ये कैसा टीचर हुआ? ओके तो ये कॉन्सेप्ट में आपको खामियां नजर आई? हाँ जी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत हदीस पढ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ हदीस ये नहीं पढ़ते, सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं, वो भी माना के साथ इतना नहीं, बस अरबी। किस फिरके में थी आप? जी बरेलवी, अहले सुन्नत जिसे बोलते हैं। अच्छा बरेलवी थी आप। बरेलवी तो हदीसों को मानते हैं पर पढ़ाते तो नहीं है ना, ऐसे मानते हैं। हाँ वो आम आवाम जो है वो नहीं पढ़ती है, ना कुरान पढ़ती है मायने से ना हदीसें पढ़ती है, वो जो भी बयानात में जो सुनते हैं उतना ही उनको पता होता है। तो ठीक है, तो कितना साल हुआ आपको निकल के? मुझे 1 साल हो गया है। अच्छा खुश है अभी? हाँ खुश तो हूँ पर डर बहुत लगता है। किस चीज का डर लगता है? ऐसे इधर पाकिस्तान में जो है इंतहा पसंदी बहुत है ना, इस वजह से। अच्छा मेरे से क्या सवाल है आपका? आपने ये अत्तैया तो ये पूछ के मुझे सवाल ही इधर उधर कर दिए। अच्छा भूल गए आप? हाँ मित्र, हाँ मेरा सवाल था कि जो ये बुक है कल की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने पढ़ी है? नहीं मैंने नहीं पढ़ी है। हाँ तो इसमें एक पंडित थे वेद प्रकाश नाम है इनका, इन्होंने लिखा है कि जो
उनका कल की उतारे वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और वो बहुत पहले ही आ चुके हैं। ओके, तो उनके कहने से क्या होता है? नहीं पढ़े, उन्होंने अपने शायद वेदों से वो प्रूव भी किया है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया, आप देखो हिंदू भी मुसलमान हो रहे हैं। नहीं, असल में नहीं, उनको पहली बात तो अपने दोस्त को बोलना कि हिंदू मुसलमान जो है वो बाद में होंगे, पहले तो खुद मुसलमान इस्लाम से बाहर निकल रहे, एक चीज तो ये। दूसरी चीज, हमें ये पता है कि इंडिया में, भारत में कुछ ऐसे डंगर पंडित लोग हैं जो कि मोमिनों के स्टेज पे जाके बैठते भी है और वो इस्लाम को वेद से साबित करने की कोशिश करते और खुद इस्लाम कबूल भी नहीं करते। यानी वो साइड, अपने साइड रहते हुए वो इस्लाम को तकवीयत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे डंगर पंडित है, हमें पता है, लेकिन उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को कई लोगों ने ऑलरेडी डीबंक किया हुआ है। बल्कि इसी चैनल पे हमने कुछ महीना पहले, आप जाके स्ट्रीम चेक कर लेना, कुछ महीना पहले हमने ब्रह्म राक्षस जी के साथ, जो जाकिर नायक क्लेम करता है कि भाई भविष्य पुराना में और दूसरी जगह पे मोहम्मद साहब का जिक्र है, वो हमने यहाँ पे पोल पट्टी खोली हुई है कि वो जिसका जिक्र है वो तो एक राक्षस था, असुर था वो, है ना। तो वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है वो उसको बड़े ही क्या कहते हैं, वो खोल खोल के दिखाया हुआ है किताबों से कि उसमें लिखा क्या हुआ है। और तीसरी चीज, मेंशन हुआ है या नहीं हुआ है ये असल चीज नहीं है। जो रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे सामने है, क्या वो एक अच्छे इंसान थे अगर वैसा कोई था, या अच्छे इंसान नहीं थे, उनकी तरबियत, उनकी तालीमात जो है वो अच्छी थी या नहीं थी, जब हम देखते हैं इस्लामिक सोर्सेस से, वेद पुराना ये सब तो छोड़ दो, ये तो दूसरे की किताबें हैं, खुद मुसलमानों ने जो किताबें लिखी हुई हैं, जो हदीसें लिखी हुई है, जो मुसलमानों की जो किताब है इस्लाम की, कुरान, उससे जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि इनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल भी एक रोल मॉडल जैसी नहीं है। तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर किधर लिखा है नहीं लिखा है, वो फिट होता है नहीं होता है, समझ रही आप? जी हाँ बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ जी। और कुछ सवाल? नहीं बस यही है। और हाँ, मुझे बताना था कि मैंने अपने फ्रेंड्स में से 7 फ्रेंड को भी एक्स मुस्लिम कर दिया है। अरे वाह, क्या बात है यार, फातिमा जी के लिए डबल गुलाब भेजे, ये खुद भी बाहर निकल चुकी है इस्लाम से और इन्होंने 7 अपने दोस्तों को भी इस्लाम से बाहर निकाला है। बड़ी मेहनती लड़की है यार फातिमा जी, एकदम धड़ल्ले से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। जरा भेजे भेजे गुलाब भेजे यार, फातिमा सैयद जी के लिए गुलाब भेजे। और मैं देखता हूँ, ये एक चीज मैंने नोटिस की है कि जितना, यानी जो लड़के एक्स मुस्लिम होते हैं वो इतना ज्यादा लोगों को नहीं निकालते हैं, लेकिन जो लड़कियां एक्स मुस्लिम बनती है, और तो इससे पहले वो एक और एक जो आई थी अब्दुल शकूर, जिनको हमने पदवी दी थी, वो भी ग्राउंड लेवल पे बात करके कई लोगों को उन्होंने इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है, मेहनत कर रही है, कभी स्नैपचैट पे, कभी इंस्टा पे, कभी अपने दोस्त अहबाब में जो रिश्तेदार है उनमें नौजवानों से वो इस्लाम की हकीकत बता रही है। तो लड़कियां जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो एक्स मुस्लिम होती है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है और वो ज्यादा लोगों को बाहर निकाल रही है बनिस्बत लड़कों के, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। देखिए इनके साथ भी यही मामला हुआ है कि इन्होंने भी अपने 7 दोस्तों को बाहर निकाल दिया। पहले बहुत सारे गुलाब आपको जो, इसकी वजह यही है कि जो लड़कियां है ना उनको इस्लाम में इतने ज्यादा हक और राइट्स नहीं मिले, इसलिए वो जल्दी समझ जाती है। हाँ दीदी, ये देखिएगा कि ये बंदा देखिए क्या कहता है, संस्कृत को और अरबी को मिक्स कर रहा है, क्या इस पर भी ईमान था? अनकही का मंत्र है जिसको सकरात के आलम में जब मृत्यु जान नहीं निकलती है ना, हाँ हाँ, तो उस वक्त महाब्राह्मण को बुलाया जाता है, हाँ, और ये मंत्र पढ़ा जाता है,
इस मंत्र का नाम रखा गया है अनकही। अनकही हाँ, यानी किसी से कहा नहीं जा सकता, ऐसा छुपाया गया है इस मंत्र। और वो मंत्र इस तरह है कि ला इला हरणी पापम, ला इला हरणी पापम इल्लल अम्बा परम पदम, और जन्म वैकुंठ प्राप्ति, जन्म वैकुंठ प्राप्ति प्राप्ति तो जपे नाम मुहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका अनुवाद हुआ ला इला हरणी पापम, ए भक्त ला इला कहने से तेरे पाप हरण हो जाएंगे। क्या इल्लल अम्बा परम पदम, और अल्लाह को पैदा करने वाला मान लेने से तुझे परमपदी मिल जाएगी। हाँ। और जन्म वैकुंठ प्राप्ति, और हमेशा के लिए स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, जन्नत हासिल करना चाहता है, तो जपे नाम मुहम्मदम, तो मुहम्मद साहब के नाम वाला कलमा जप ले, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बंदा खुद मुसलमान नहीं हुआ। हाँ, वही तो अभी मैं बोल रहा था ना। आप कुछ शंकराचार्य भी है जो स्टेज पे जाके ऐसी बातें करते हैं। बहरहाल बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कीजिए। जी बोले आप। हाँ, मैंने भी अपनी फ्रेंड से यही पूछा था कि जो वेद प्रकाश है उन्होंने ये किताब लिखकर खुद इस्लाम कबूल किया कि नहीं, तो उसने बोला नहीं, उसने इस्लाम तो कबूल नहीं किया। मैं वही तो आपको कह रहा था ना कि ये खुद इस्लाम कबूल नहीं करते, ये बीच बीच में सिर्फ उंगली करके, क्योंकि इनको बनाना पड़ता है ना, सपोर्ट चाहिए होता है, पैसे अच्छे खासे जो है तो वो मिल जाते होंगे पीछे पीछे, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, सब कुछ मिलता है, इस वजह से करते हैं। अरे वो एक पंडित जी या कुछ है ना साहिल साहब, जो नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे, ऐसा कुछ पढ़ता है वो। और स्टेज पे जाके सुना है कि नहीं, याद है उसका नाम? हाँ, सुना है, सुना है। आचार्य कोई है ना वो? हाँ, प्रमोद कृष्णन शायद नाम है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो मेरे ख्याल से कांग्रेस का कुछ वो भी है। जब हाँ हाँ कांग्रेस का है, तो इतने ही अच्छे जब है तो इस्लाम को कबूल करो ना फिर। नहीं, इस्लाम पे और फिर मुहर्रम पे करबला पे वो खूब स्पीच देगा। हाँ। खुद इस्लाम कबूल नहीं करेगा। हाँ, बेवकूफ बनाता है। अगर इस्लाम को पढ़ ले, कुरान को पढ़ ले और कुरान की बनिस्बत, तो वो फिर जहन्नम में जाएगा, क्योंकि कलमा और दीन तो एक ही है, बाकी आप कितनी अच्छा अमल कर ले आप जन्नत जा ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू इस्लाम, आप तो जहन्नम में ठहरे फिर। तो ये असल में साजिद साहब, ये सिर्फ पागल बनाने के धंधे हैं और कुछ नहीं है, वरना आप इतना ही अच्छा लग रहा है इस्लाम और रसूलुल्लाह, तो कबूल करो ना फिर। इस्लाम आपको ये ऑप्शन थोड़ी ना देता है कि आप खाली तारीफ करके जो है आप कलमा नहीं लाओगे, आप पूरे के पूरे दाखिल नहीं होंगे तो आपको नजात मिल जाएगी, ये ऑप्शन ही नहीं है। तो किसको बेवकूफ बना रहे हो आप आम आवाम को ही बेवकूफ बना सकते हो, और खास करके मोमिन हजरात को, नॉन मोमिन हजरात को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। चलिए फातिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मोमिन हजरात से मैं अभी बात करना है, क्योंकि एक सिर्फ उमर साहब आए और उन्होंने कोई दलील नहीं दी, बस इतना कह के चले गए कि जैसा बताया गया है उतना मानो, कुछ शक शुबा उसमें करने की गुंजाइश नहीं है। देखते हैं कोई दूसरे हमारे मोमिन हजरात आकर अगर इस टॉपिक पे हमसे डिस्कशन करे और अपने अल्लाह और रसूलुल्लाह को सच्चा और अच्छा साबित करे। ठीक है फातिमा जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, खुश रहिए। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।